हेलो गाइस, वेलकम बैक टू mcitp.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम ग्रुप के बारे में। होम ग्रुप से आप अपने डॉक्यूमेंट को, म्यूज़िक को, प्रिंटर को शेयर करा सकते हो अनदर कंप्यूटर पे इन होम नेटवर्क के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 के अंदर होम ग्रुप स्पेशली डिज़ाइन किया गया है होम यूज़र के लिए। होम यूज़र एक होम ग्रुप नेटवर्क में काम करेंगे और आपस में अपने डाटा को शेयर करा सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूज़िक, प्रिंटर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो होम ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? जस्ट कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ पे होम ग्रुप के नाम से। होम ग्रुप पे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो क्रिएट ए होम ग्रुप। अभी हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि देयर इज़ करंटली नो होम ग्रुप ऑन दिस नेटवर्क, कि अभी तक विंडोज 7 आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी होम ग्रुप के अंडर काम नहीं कर रहा है। तो हम अपना होम ग्रुप पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट ए होम ग्रुप, अब जो आप होम ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हो अनदर कंप्यूटर पे, आप क्या क्या शेयर कराना चाहते हो उनके ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आप उनके ऊपर टिक कर सकते हो, जैसे पिक्चर मैं शेयर कराना चाहता हूँ, म्यूजिक मैं शेयर कराना चाहता हूँ, वीडियो भी शेयर, प्रिंटर भी शेयर, और साथ में मैं अपने डॉक्यूमेंट को भी शेयर कराना चाहता हूँ। इसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद होम ग्रुप हमें क्या कर एक प्रोवाइड करता है पासवर्ड, और ये जो पासवर्ड हमें मिलता है ये एक प्रकार से केस सेंसिटिव होता है। तो जैसे आपका पासवर्ड है वैसे ही आपको उसको डालना पड़ेगा, और इस पासवर्ड को आपको नोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे होम ग्रुप क्रिएट करने के बाद जितने भी जो हमारे दूसरे कंप्यूटर बचेंगे वो यदि हमारे इस होम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे उस टाइम पे विदाउट इस पासवर्ड के वो हमारे होम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसे पहले आप राइट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है राइट डाउन दिस पासवर्ड, तो आप राइट कर लीजिए और फिनिश। हमने यहाँ पे राइट कर लिया और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हम जाएंगे अपनी दूसरी मशीन के ऊपर, दूसरे वर्क स्टेशन पे, और यहाँ पे यदि मैं वापस अपनी उसी मशीन पे जाता हूँ जहाँ पे हमने होम ग्रुप को क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद आप जाइए माय कंप्यूटर पे। माय कंप्यूटर पे जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा होम ग्रुप। मैंने होम ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसने एक मैसेज दिया, देयर आर नो अदर पीपल इन होम ग्रुप, आपके अलावा जो, क्योंकि अभी अभी मैंने होम ग्रुप को कनेक्ट किया है या क्रिएट किया है और अभी तक मेरे इस होम ग्रुप को किसी दूसरे कंप्यूटर ने इसको ज्वाइन नहीं किया। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे मैंने जो जो चीज़ शेयर करी है वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरी मशीन पे, जिस मशीन से हम अपने इस होम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में यहाँ पे होम ग्रुप, यहाँ पे इसने दिखाया एडमिनिस्ट्रेटर ऑन विन, ये हमारे मशीन का नाम है, हैज़ क्रिएटेड ए होम ग्रुप ऑन नेटवर्क। आपके नेटवर्क में इस मशीन पे ये होम ग्रुप क्रिएट है, क्या आप उसे ज्वाइन करना चाहेंगे? तो मैं क्या करेंगे, हम ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ करने के बाद हमसे फिर पूछता सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू शेयर, कि अनदर कंप्यूटर पे जिस होम ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें जितने भी कंप्यूटर ज्वाइन हैं उनको आप क्या शेयर करना चाहते हो अपनी मशीन से, पिक्चर, नो, म्यूज़िक, यस, खाली म्यूज़िक म्यूज़िक हम शेयर करना चाहेंगे और बाकी कुछ भी हम शेयर करना नहीं चाहते। तो नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको अथोटिकेशन के लिए यहाँ पे पासवर्ड इसने माना, अनऑथराइज यूज़र हमारे होम ग्रुप को एक्सेस नहीं कर सकते। खाली ऑथोराइज यूज़र को ही हम अपना पासवर्ड बताएंगे कि जो हमारे जिन जिन हम वर्क स्टेशन को चाहते हैं कि वो हमारे इस होम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसी के साथ ही हम अपने पासवर्ड को शेयर करेंगे। अब जो पासवर्ड आपको मिला था वहाँ पे वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये मशीन हमारे उस होम ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए दिस कंप्यूटर बिलोंग्स टू ए होम ग्रुप, ये कंप्यूटर अब आपके होम ग्रुप पे कनेक्ट हो चुका है। और कैंसिल। अब मैं इस मशीन से, अब इस होम ग्रुप के अंदर
दो मशीन कनेक्ट है, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर कनेक्ट, देखिए यहाँ पे होम ग्रुप के उसने दिखाया एक दूसरी मशीन। इस मशीन ने क्या किया था, हमें डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूज़िक, वीडियो ये सब शेयर कराया था और इनको मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ। क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट को मैंने एक्सेस किया, डॉक्यूमेंट में उसमें इतनी सारी उसने फाइलें बनाई हुई हैं, मैंने एक्सेस कर ली, फाइलों को मैं रीड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं राइट नहीं कर सकता, चलिए आगे वो टॉपिक थोड़ा आगे देखेंगे। दूसरी मशीन पे जाके देखते हैं, अरे वाओ, हमारी इस मशीन ने भी, मशीन पे भी हमारे दूसरे मशीन को दिखा दिया है। तो लेकिन हमने दूसरी मशीन पे खाली क्या शेयर कराया था, म्यूज़िक, तो ये खाली म्यूज़िक को ही एक्सेस कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वो उस ग्रुप में क्या क्या शेयर कराना चाहते हैं वो आप शेयर करा सकते हो। लेकिन हम अपनी पहली मशीन पे चलते हैं, ये देखिए हमारी इस मशीन ने क्या किया, सारी चीज़ें शेयर करा के रखी, लेकिन यदि मैं यहाँ पे कोई चीज़ राइट करना चाहूँगा तो राइट नहीं कर पाऊँगा, क्यों, क्योंकि हमें रीड की परमिशन है। तो राइट की परमिशन लेने के लिए मुझे इसी मशीन पे जाना पड़ेगा, यही मशीन ही मुझे राइट की परमिशन यहाँ पे देगी। तो राइट की परमिशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट पर चाहते हो आप राइट करना तो राइट क्लिक कीजिए। हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर पाए तो हम यहाँ पर शेयर कराएंगे। अब शेयर क्या है, होम ग्रुप के यूज़र क्या करें, रीड करें, या होम ग्रुप के यूज़र रीड और राइट दोनों कर ले, हम चाहते हैं कि रीड और राइट दोनों यूज़ कर पाएँ। तब वापस मशीन पर चलते हैं तो देखते हैं क्या हम अब राइट कर पाएंगे। राइट क्लिक, न्यू और टेक्स्ट फाइल, वाओ, हा हा हा, वाओ, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। इस तरीके से आप परमिशन दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट रीड की परमिशन होती है, यदि आप राइट की परमिशन देना चाहो आप राइट की परमिशन दे सकते हो। इस तरीके से आप अपने होम ग्रुप पे बना सकते हो। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि होम ग्रुप को लीव करना चाहता हूँ तो लीव करने के लिए कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के अंदर यहाँ पे जाओगे आप होम ग्रुप, होम ग्रुप पे यहाँ पे आप जाके यूज़ कर सकते हो लीव द होम ग्रुप। इसके बाद आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके बाद व्यू प्रिंटिंग होम ग्रुप पासवर्ड आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, हमारा ये पासवर्ड था, ठीक है। प्रिंट पेज, प्रिंट पेज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और सेटिंग भी है, लेकिन जैसे मैंने अभी यहाँ पे खाली म्यूजिक को शेयर कराया है होम ग्रुप के लिए, बाद में मुझे प्रिंट पिक्चर को शेयर कराना चाहता हूँ पिक्चर को शेयर करा सकता हूँ, वीडियो को और प्रिंटर को बाद में आप शेयर करा सकते हो। तो सेव चेंजिंग, अब बाकी जितने भी होम ग्रुप के यूज़र हैं वो हमारे इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जाओगे आप नेटवर्क एंड शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग के बाद आप यहाँ पर कुछ सेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो होम ग्रुप के लिए, जैसे नेटवर्क डिस्कवर यदि आप टर्न ऑफ करते हो कि तो आपके नेटवर्क में इसका अपने कंप्यूटर को नहीं दिखाएगा सर्चिंग के टाइम पे। फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑफ करना चाहते हो फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग नहीं होगा। इसके बाद पब्लिक फोल्डर शेयरिंग, पब्लिकली फोल्डर आप शेयर करा सकते हो, रीड की परमिशन बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, राइट की परमिशन, और यदि आप इसको ऑफ कराना चाहते हो ऑफ कर सकते हो, पब्लिकली शेयर कोई भी नहीं चीज़ होगी। मीडिया का सेम ऐसे ही है। और फाइल शेयरिंग कनेक्शन, आपका यहाँ पे इंक्रप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सेट कर सकते हो, 128 बिट्स का है या 4056 बिट का इंक्रप्शन आप अनेबल करना चाहते हो वो कर सकते हो। पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग करना चाहते हो ऑफ करना चाहते हो ऑफ कर सकते हो। होम ग्रुप कनेक्शन, अब जब जैसे हमने होम ग्रुप को ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते वक्त तो हमने वहाँ पर अलाउ विंडोज़ टू मैनेज होम ग्रुप कनेक्शन, तो खाली होम ग्रुप का पासवर्ड मांगा था। यदि आप यूज़र अकाउंट के पासवर्ड से होम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो और इसको बाद में इसको सेव कर सकते हो। तो ये सेटिंग थी, आज हमने सीखा होम ग्रुप के बारे में। तो आप अपने होम ग्रुप नेटवर्क बना सकते हो और उसमें अपने पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, प्रिंटर को शेयर करा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।